मैम, वेलकम टू माई चैनल। एक्चुअली मैं आज कहीं जाने वाली थी और बहुत ज़्यादा धूप हो गया, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और मेरे इस आँख में हल्का सूजन भी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इस आँख में दर्द भी हो रहा है। आप लोग सोचोगे कि मेरे आँख में अक्सर ऐसा क्यों हो जाता है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार अपूर जो है वो चार्जर, मतलब ख़राब चार्जर था, उससे खेल रहा था। और ऐसे घुमा घुमा के खेलते खेलते क्या हुआ कि वो, मैं बैठी हुई थी वहीं पास में और मैं उसको मना कर रही हूँ, नहीं खेलो नहीं खेलो। उसके बाद वो ऐसे ऐसे करके खेल रहा था और अचानक इतना तेज़ मेरे सांस में लगा चोट कि मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कैसा लगा मुझे उस टाइम। बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैं किसी तरह कंट्रोल किया और फिर डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर बोला कि कोई बात नहीं है, आँख के पास सूजन है थोड़ा सा, वो मेडिसिन दिया, कुछ और ड्रॉप दिया वो डाली, तो फिर उस टाइम तो कुछ दिन के बाद ठीक हो गया। लेकिन कि अक्सर मेरे आँख में मैं देख रही हूँ कि सूजन हो जाता है और आँख जो है मेरा वो रेड रेड हो जाता है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि उससे डॉक्टर से मिलूँ और उसे दिखाऊँ, कंसल्ट करूँ कि मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ एक जो मैं खुद मतलब यूज की हूँ, अनुभव की हूँ, वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है लिवोन का हेयर सीरम टिप्स, जो कि मैं 6 महीने से, लगभग 6 महीने से यूज कर रही हूँ। और मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और मतलब गांठ गांठ जैसा हो जाता है, ड्राई और उलझे हुए हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए मैं बहुत कंघी करती थी। कंघी में बाल भी बहुत निकलता था और कहीं जाना होता था तो मैं चाहती कि जल्दी से कंघी कर लूँ और कहीं चली जाऊँ, ऐसा नहीं होता हो पाता था। तो अब मैं जब से ये हेयर सीरम यूज करती हूँ, तब से मेरे बाल जो हैं बहुत काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं और काफ़ी स्ट्रेट भी हो गए हैं, जबकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं थे। बहुत ज़्यादा क्या, मतलब हल्के मुड़े मुड़े थे, घुंघराले टाइप के थे, तो वो भी काफ़ी स्ट्रेट हो चुके हैं। तो इसे मैं यूज करती हूँ जब शैम्पू करने के बाद मेरे बाल मतलब भीगे ही रहते हैं, लेकिन पानी उसमें से ना टपकता हो, उस टाइम फिर बाल को अच्छे से तौलिए से सुखा लेना है, पोंछ लेना है, और उसके बाद हल्का सा हेयर सीरम हाथ पे लेना है और उसे रब करना है। फिर अपने बाल में, इसमें सिर्फ बाल में लगाना है, अंदर मांग में नहीं, ये सब जो है इसमें नहीं, सिर्फ बाल में, ऊपर ऊपर पूरे बाल में अच्छी तरह से लगाइए, हथेली में, दोनों हथेली में रब करके एकदम थोड़ा थोड़ा सा। और आप महसूस करोगे कि आपका बाल छूने पे एकदम सिल्की और सॉफ्ट लगेगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं इसे कैसे यूज करती हूँ, शायद आपको मेरा ये टिप्स अच्छा लगे और शायद आपके काम भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि मुझे अपने बाल ऐसे खोल के, ऐसे जो ये मोटे चौड़े मोटे दांत वाले कम होते हैं, उनसे ऐसे कम कर लेना है, ऐसे अच्छी तरह से नहीं सुलझा लेना है, ऐसे सुलझा ली अपने बाल को। और अब क्या करना है, ये है मेरे पास टिप के, मैं आधा से ज़्यादा यूज भी कर चुकी हूँ इसे, ये लिवोन का, लिवोन का सीरम हेयर सीरम। और ये क्या क्या ये क्या क्या कंट्रोल करता है ये लेने तो मैं बता रही हूँ, ये कंट्रोल करता है फ्रिजी हेयर, और ये आपको इससे मिलता है सिल्की एंड शाइनी हेयर, और इसमें विटामिन ई भी है। चलिए देखिए, मैं इतना सा ले रही हूँ, 5-6 ड्रॉप, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा जो भी है। लो आकर्ष लोन लेने के लिए बोल रहे थे, तो फिर अभी इसे ऐसे रख कर लेना है अपने हथेलियों पे, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे लगाते ही आपको लगेगा क्या हो बेबी,
क्या हुआ? क्यों गुस्से गुस्से हो गए? क्यों गुस्से गुस्से हो गए? अरे ऐसे लगा लेना है और आपको दिख रहा होगा कि मेरा हेयर कितना मतलब शाइनी दिख रहा है और सॉफ्ट दिख रहा है, सिल्की ऐसे दिख रहा है। ऐसे इसको लगाते ही मतलब स्मूथनेस फील होगा, बहुत सिल्की लगेगा आपको। हाथ डालोगे ऐसे बाल ऐसे अपने आप हो जाएगा ऐसे एकदम सॉफ्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। और यूज करिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।